क्वेश्चन किया है कि संविधान किसे कहते हैं बताया जाए, तो बोलिएगा क्या कि संविधान लिखित नियमों का संग्रह है जिससे पूरा देश चलता है, जिससे पूरा सिस्टम चलता है, उस समय क्या कहते हैं संविधान। ठीक है, अगर आप देखा देश के कोई भी काम अगर होगा ना वो संविधान के दायरे में होगा, संविधान के दायरे में होगा, कुछ भी कोई करता है वो तो संविधान के दायरे में ही होगा। ठीक है, हमने बोला क्या है कि तो सवाल ये होता है कि देश हमारा जो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो सवाल होता है कि देश जब आजाद हुआ, जब हमारे देश में क्या है कि जो अंग्रेज शासन कर रहा था तो उस समय क्या है कि अंग्रेज का ही नियम कानून लागू था, जब वो देश छोड़कर जाएगा तो क्या है कि हमको कोई ना कोई सिस्टम चाहिए ना जी देश चलाने के लिए, अगर हमको विधान हमको क्या होता है कोई ना कोई नियम कानून चाहिए देश चलाने के लिए, अगर हमारे पास कोई नियम कानून अगर देश का नहीं होगा हमारा देश क्या होगा भीतर भीतर हो जाएगा, तो उसके लिए क्या है कि नियमों का जरूरत होगा कि कैसे देश को चलाना है, इसके लिए नियम की जरूरत है, तो वो नियम क्या बना संविधान की बात करता है। ठीक है ना, देखिए तो संविधान लिखने से पहले क्या होता है देखिएगा कि मसौदा, मसौदा समझ रहे हैं आप लोग जैसे विचार विमर्श समझ रहे हैं ना, तो विचार विमर्श हो रहे ना जैसे प्रारूप मतलब क्या होता है प्रारूप समिति का क्या होता है गठन किया है। ठीक है ना, तो मसौदा तैयार करने के लिए क्या होता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ठीक है ना 29 अगस्त 1947 को ठीक है ना यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या होता है कि अध्यक्ष चुना जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब होता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष, जिसमें क्या होता है कि 7 सदस्य चुने जाते हैं, 7 सदस्य में क्या होता है कि इनको अध्यक्ष पद में क्या होता है लिखी जाती है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा क्या कि ड्राफ्टिंग कमेटी कहता है वाज सेट अप ऑन कहता है 29 अगस्त 1947 अंडर द चेयर द चेयरमैनशिप ऑफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी क्या होता है 29 अगस्त 1947 को है ना स्वतंत्र भारत के, याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के नए संविधान लिखने के लिए यानी रचना करने के लिए क्या होता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या होता है कि मसौदा समिति का अध्यक्ष जो होता है चुना जाता है किनको, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। क्या अभी प्रारूप समिति का गठन किया गया, ठीक है ना, कब किया गया 29 अगस्त 1947 को। ठीक है ना, तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। ठीक है ना, उनका अध्यक्ष कौन था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अब सवाल होता है कि सर बताया जाए कि 7 सदस्य जो थे वो कौन कौन थे, 7 सदस्य में जवाब दिए कौन कौन थे, हमने लिखा यहाँ पर कौन कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो क्या थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसमें दूसरा नंबर पे कौन आते हैं, एन गोपाला स्वामी, याद रखिएगा एन गोपाला स्वामी। तीसरा क्या है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है ना अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद चौथा जो थे कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। ठीक है, और जो चौथा के बाद पांचवा जो थे एन माधव राव, जिसको हम लोग कहेंगे बीएल मित्र। ठीक है ना, बीएल मित्र जो थे वो क्या थे सैयद मोहम्मद पता है साहुल्ला। और सातवां जो थे क्या थे डीपी खेतान, क्या थे डीपी खेतान, जिसको